अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में उतरने से पहले विश्वरूप दर्शन का अर्थ स्पष्ट कर लेते हैं। व्यक्ति अपने मन में संचित संस्कारों के अनुसार, मन की धारणाओं के अनुसार बाह्य जगत का दर्शन अपने अंतर मन में करता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान ले अंधेरी रात में हम किसी रास्ते पर चल रहे हैं और रास्ते में कहीं रस्सी पड़ी है तो हमें उसमें सांप दिखाई पड़ जाता है, क्योंकि हमारा भीतरी मन सांप की कल्पनाओं से भरा है, सांप के भय की संवेदनाओं से भरा है। यह तो मात्र हमने एक उदाहरण लिया। ऐसे अनेक संस्कार, अनुभव, धारणाएं हमारे सुषुप्त मन में काफ़ी गहराई तक भरी पड़ी है। अलग अलग व्यक्तियों में हमें अलग अलग संस्कार, धारणाएं एवं अनुभव देखने को मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जीवन यात्रा के अनुसार, संस्कारों के अनुसार बाह्य जगत के दर्शन अलग अलग रूप में करता है। सुषुप्त मन में संग्रहित संस्कार एवं अनुभव ध्यान के प्रयत्नों द्वारा बाहर उलीचे जा सकते हैं। ध्यान के प्रयत्नों की फलश्रुति को समाधि कह सकते हैं। समाधि में स्वयं के समग्र चित्त का पूर्ण दर्शन होता है। इस चित्त दर्शन को विश्वरूप दर्शन कह सकते हैं। समाधि में स्वयं का पूर्ण स्वभाव प्रकट होता है। 1 से 10 अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मदर्शन का विज्ञान स्पष्ट करते हैं। आत्मदर्शन अर्जुन के लिए क्यों आवश्यक है, यह श्री कृष्ण शब्दों से स्पष्ट करते हैं। शाब्दिक रूप से अर्जुन को अब यह सब बात स्पष्ट हो चुकी है कि जीवों की उत्पत्ति, प्रलय, कर्म, कर्मफल, यह सब परिवर्तनशील एवं विनाशी है। मात्र अंतर्दृष्टा अवलोकन करता ही अविनाशी है, चैतन्य स्वरूप एवं अकाल है। अब अर्जुन आत्मदर्शन हेतु अधीर हो रहा है। इस अध्याय में अर्जुन की आत्मदर्शन हेतु प्यास, तड़प एवं अधीरता को बताया गया है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जब तक मन एवं इंद्रियों की शक्ति बहिर्गामी धारा में बाह्य जगत की ओर दौड़ती है, तब तक चैतन्य स्वरूप आत्मावकाश में भीतरी प्रवेश संभव नहीं हो पाता है। मन एवं इंद्रियों द्वारा आत्मदर्शन संभव नहीं है। इस बहिर्गामी शक्ति की धारा को अंतर्मुखी धारा में बदला जा सके तो ही आत्मदर्शन संभव है। आत्मदर्शन हेतु तीसरा नेत्र यानी दोनों भ्रमर के बीच शिव नेत्र अति उपयोगी है। इसे श्री कृष्ण दिव्य चक्षु कहते हैं। दिव्य चक्षु अर्थात भीतर के जगत का दर्शन करने वाला तीसरा नेत्र। यहाँ अर्जुन को समाधि की झलक मिलती है, जिसके लिए सतोरी शब्द का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय में जो वर्णन किया गया है वह सतोरी अवस्था का वर्णन है। यहाँ साधक वर्ग को एक बात समझ लेनी आवश्यक है कि सतोरी अवस्था में जो अनुभव अर्जुन को हुआ वही अनुभव दूसरे साधकों को भी होगा ऐसा नहीं है। अर्ध जागृत एवं सुषुप्त मन में पूर्व जन्मों के संस्कार, विचार एवं संकीर्ण भाव सुषुप्त रूप में भरे पड़े हैं, जो कि सतोरी एवं समाधि की अवस्था में आँखों के समक्ष आ जाते हैं। प्रत्येक जीव के चित्त की ग्रहण शक्ति अलग होती है, जीवन की यात्रा अलग होती है एवं स्वभाव अलग होता है।
पूर्व जन्मों के संस्कार भी अलग होते हैं, इसलिए जो कुछ भी सुषुप्त मन में गहरे तक दबा हुआ होता है वह तीसरे नेत्र के सक्रिय होने के साथ आँखों के सामने आ जाता है। इस अध्याय को समझते समय यह बात केंद्र में रखनी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ एक बात और समझ लेनी आवश्यक है कि अर्जुन पूर्ण समाधि को उपलब्ध नहीं है, परंतु उसे समाधि की झलक मिल जाती है। इस अध्याय के पश्चात भी श्री कृष्ण अर्जुन को 7 और अध्याय समझाते हैं। यदि इस अध्याय तक ही अर्जुन को समाधिस्थ हो जाता तो उसे कृष्ण से कुछ और पूछने एवं जानने को बाकी नहीं रह जाता, परंतु ऐसा नहीं होता और कृष्ण को 7 और अध्याय कहने पड़ते हैं। ऐसी घटनाएं घटने में भी संचालन परम चैतन्य का ही होता है। पूर्ण समाधि या पूर्ण दर्शन का अर्थ है जहाँ दृश्य एवं दृष्टा दोनों अलग अलग नहीं रह गए। श्री कृष्ण पूर्ण समाधिष्ठ पूर्ण दृष्टा है। पूर्ण समाधिष्ठ अवस्था पूर्ण समाधान की स्थिति को उपलब्ध है। पूर्ण समाधि में अंतर्मन की शक्ति पूर्ण उलीच जाने के कारण कोई भी शंका या प्रश्न नहीं रह जाता। किसी के द्वारा बाहर से कुछ जान लेने का भाव या उत्सुकता नहीं रह जाती। यहाँ अर्जुन को समाधि की झलक मिलने से अंतर जगत अंतर मन में संचित अनुभवों एवं संस्कारों का विस्फोट होता है। वह जो कुछ भी देख पाता है उसका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। 1. दिव्य स्वरूप के दर्शन में अर्जुन को अनेक मुख नेत्र दिव्य आभूषण एवं अनेक अलौकिक शस्त्र हाथ में धारण किया हुआ स्वरूप दिखाई देता है। दिव्य वस्त्र दिव्य मालाएं दिव्य चंदन से लेपित सर्व प्रकार के आश्चर्य से भरा सभी तरफ मुख वाला प्रकाशित स्वरूप दिखाई देता है। 2. हजारों सूर्य एक साथ उदय हुए हो ऐसा प्रकाशमय स्वरूप दिखाई देता है। 3. दिव्य शरीर में समस्त देव प्राणी समुदाय कमल पर विराजमान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ऋषि मुनि एवं दिव्य सर्प दिखाई देते हैं। 4. सूर्य एवं चंद्र रूपी नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि मुख वाले जगत को तपा देने वाले तेज के दर्शन होते हैं। 5. कभी अलौकिक तो कभी भयानक स्वरूप दिखाई देते हैं। 6. महर्षियों एवं सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा घोष करते हुए दिखाई देते हैं। 7. रुद्र आदित्य वसु साध्य विश्वदेव अश्विनी कुमार मातृ पितृ गंधर्व यक्ष असुरों एवं सिद्धों के समुदाय विस्मित होकर देख रहे हो ऐसा दृश्य दिखाई देते हैं। 8. अनेक मुख वाले अनेक पेट वाले एवं दांतों वाले विकराल स्वरूप दिखाई देते हैं। 9. आकाश को छूते हुए दैदीप्यमान अनेक रंगों वाले खुला मुख किए हुए विशाल नेत्रों वाले विष्णु भगवान दिखाई देते हैं। 10. धृतराष्ट्र के सभी पुत्र सभी राजाओं के समुदाय भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण एवं पांडव पक्ष के मुख्य योद्धा तेज गति से विकराल दांतों वाले भयानक मुखों में जा रहे हैं और कुछ के सिर दांतों के बीच कुचले हुए दिखाई दे रहे हैं। 11. जैसे अनेक नदियां समुद्र की ओर खींचती चली जाती है उसी प्रकार इस धरती के शूरवीर
प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। 12. जैसे पतंगे मोहित होकर अग्नि में जा गिरते हैं, उसी तरह यह सभी लोग अपने नाश हेतु दिव्य मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज से तपा रहा हो ऐसा दिखाई देता है। 13. अर्जुन के मन में दबा हुआ भय प्रकट होता दिखाई देता है। अर्जुन मन ही मन में कहता है, हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार, आप प्रसन्न हो, मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ, मैं आपके मूल रूप को जानने का इच्छुक हूँ। 14. अर्जुन श्री कृष्ण को जब पूछते हैं कि वास्तव में आप कौन हो, तब श्री कृष्ण प्रत्युत्तर में कहते हैं, मैं लोगों की जड़ता का नाश करने वाला दिव्य पवित्र भद्रकाल हूँ, मैं लोगों के अज्ञान को नाश करने आया हूँ, इसलिए मेरे विरुद्ध पड़ने वाली सेना में खड़े अज्ञानी एवं मूढ़ योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे, यह बात निश्चित है। सामने वाले पक्ष में पहले से ही सब मर चुके वीर हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट करते हैं, दुराचारी दुर्योधन का युद्ध में साथ देने वाले लोगों का मानसिक स्तर ही बताता है कि उनमें कोई आत्मवान या जागृत व्यक्ति नहीं है। आत्मवान व्यक्ति कभी भी अधर्म के पक्ष में खड़ा नहीं होता है, इसलिए ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सामने वाले पक्ष में पहले से ही सब मर चुके वीर हैं। श्री कृष्ण पूर्ण दृष्टा हैं, वे जानते हैं कि अर्जुन निमित्त मात्र है, कौरवों का विनाश निश्चित ही है, किसी ना किसी युद्ध के बहाने इनकी मृत्यु निश्चित ही है, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से पीछे ना खिसकने की सलाह देते हैं। प्रत्येक की मृत्यु का समय निश्चित ही है, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू युद्ध में जुड़ जा, पलायन ना कर। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण एवं अन्य शूरवीर भी आत्मा को जानने से चूक गए, सत्य से डर कर भाग गए, असत्य के पक्ष में खड़े हो गए, इसलिए जीते जी भी उनकी गिनती मृत्युग्रस्त में ही होगी। इसलिए श्री कृष्ण इन लोगों से न डर कर अर्जुन को युद्ध से पीछे न खिसकने की सलाह देते हैं। अर्जुन अनुभव करता है कि शरीर एवं मन की इंद्रियों की इच्छाओं में फंसे हुए वीर सत्य का, परम चैतन्य का दर्शन करने में असमर्थ हैं एवं भय के कारण विवर होकर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, एवं सिद्ध पुरुष अपने आप में स्वस्थ रहकर नमस्कार कर रहे हैं। विकार रहित परम सत्य चैतन्य को उपलब्ध दृष्टा स्वयं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हैं। अहंकार रहित, विकार रहित, पूर्ण शून्य स्वरूप हैं। यह एक ही मात्र जानने योग्य, आश्रय लेने योग्य हैं। समग्र संसार के भीतर सूक्ष्मतम स्वरूप में रहने वाला दृष्टा स्वरूपी शुद्ध चैतन्य ही नष्ट न होने वाला, समय से पार, कालातीत, अकाल, परिवर्तित न होने वाला अचल है। बाकी सब परिवर्तनशील, नाश पाने वाला, परछाई समान, पानी के बुलबुले समान है। अर्जुन अब सत्य को जानने के पथ पर तपस्या कर रहा है। अब अर्जुन को पता चल रहा है कि आत्मदर्शन के लिए कितनी एवं कैसी तपश्चर्या करनी पड़ती है। अज्ञान के बादलों से, विकारों की छाया से अर्जुन अब बाहर निकल रहा है। अर्जुन श्री कृष्ण को पहले मित्र की तरह लेता था, उनके साथ मित्र की तरह ही व्यवहार करता था।
पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण के लिए सखे, यादव एवं कृष्ण जैसे शब्दों का ही उपयोग किया है। घूमते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, विनोद वृत्ति में कृष्ण से मजाक भी किया है। इन सबको अपराधपूर्ण जानते हुए 41 एवं 42वें श्लोक में अर्जुन बहुत ही लज्जा एवं संकोच करता हुआ प्रतीत होता है। इसके पश्चात के श्लोक में अर्जुन गदगद होकर कृष्ण के लिए पूर्ण जगत के पिता, पूजनीय गुरु, परमात्मा जैसे शब्दों का उपयोग करता है। अपने अपराध के लिए अर्जुन नतमस्तक होकर क्षमा प्रार्थना करता है, कृष्ण को प्रणाम करता है। अर्जुन श्री कृष्ण को वंदन करते हुए अहोभाव से उद्गार करते हैं कि हे परम पिता, तीनों लोक में आपकी बराबरी कर सके ऐसा कोई भी नहीं। इस अलौकिक दर्शन के अनुभव से अर्जुन हर्ष का अनुभव करता है, परंतु अभी तक अर्जुन के मन के मायाजाल से पूर्णतः मुक्त नहीं है। मन ही मन अर्जुन प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण, मुझ पर प्रसन्न होकर आप अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाओ। अर्जुन की श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि मैं आपको मुकुट धारण किए, गदा चक्र हाथ में धारण किए हुए देखना चाहता हूँ, आप अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो। इस बात को हम ठीक से स्पष्ट कर लेते हैं। अर्जुन के मन में विष्णु की जो कल्पना जन्मों जन्मों से संचित हो रखी है, वह धारणा उसे सतौरी अवस्था में प्रकट होती हुई दिखाई देती है और मन ही मन में प्रार्थना करने के पश्चात अर्जुन विष्णु स्वरूप दर्शन भी करता है। परंतु यहाँ साधक को ठीक से जान लेना चाहिए कि अर्जुन अभी तक सुषुप्त मन के सिकंजे में है, पूर्ण मुक्त नहीं है। इसलिए युद्ध से संबंधित निर्णयों में उसे श्री कृष्ण की सहायता लेनी पड़ती है। इस अध्याय के बाद भी श्री कृष्ण अर्जुन से गीता के साथ और अध्याय कहते हैं। इस अध्याय के 53वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, समाधि के दर्शन हेतु तपश्चर्या ही करनी पड़ती है। प्रतिक्षण मन के द्वंद विकारों एवं इच्छाओं से ऊपर उठने का प्रयत्न करना पड़ता है। जिस प्रकार शरीर को जीवित रखने के लिए श्वास उच्छ्वास की प्रक्रिया का प्रतिक्षण चलना आवश्यक है, इसी तरह आत्मा के संपर्क में रहने के लिए प्रत्येक क्षण जागृति साधने की आवश्यकता होती है। फिर योग्य समय पर परमपिता की कृपा से समाधि अवस्था पूर्ण जागृति उपलब्ध होती है। अविरत श्रद्धापूर्वक धैर्यपूर्वक किया हुआ ध्यान एवं भक्ति के प्रयास साक्षात्कार को जन्म देते हैं। जो व्यक्ति सभी कर्म अपेक्षा रहित होकर एवं पूर्ण सजगता से करता है, वह वैर भाव रहित, शुद्ध चित्त युक्त, भक्तिमय एवं आनंदित स्थिति को प्राप्त करता है एवं अंत में परम जागृति में पूर्णतः लीन हो जाता है। कर्मों एवं कर्मों के परिणाम से ऊपर उठ जाता है। यहाँ अध्याय 11 का मार्गदर्शन पूर्ण होता है।